कुछ इवेंट्स भी हैं तो इवेंट्स भी करने हैं, तो करियर पे सारा फोकस, करियर पे स्टडी करनी है, साथ जॉब भी करनी है, साथ म्यूजिक। मेरी जो ज़्यादा मोहब्बत है वो अपनी सिंगिंग के साथ है, तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना सिंगिंग के साथ गुजरता है। बस जो है पहली वो सिंगिंग है, तो दूसरी मोहब्बत को भी जगह नहीं दे रहे हैं अभी, उसको जगह दूंगा तो फिर इसकी जगह जो है ना खराब हो जाएगी। हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, लटोल जी सुलझा जा बालम लटोल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मेमरा डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान आदिल जमील। नाज़रीन, पाकिस्तान के अंदर टैलेंट की कोई कमी नहीं, यहाँ पर आपको हर गली, हर रोड और हर जगह पर लोग अपना टैलेंट जो है वो दिखाते नज़र आएंगे। इसी तरह से हमारे साथ एक सिंगर मौजूद हैं जो कि क्लासिकल गाते हैं और इनका गाना ऐसा है कि सुनने वालों पर सहर तारी कर देता है। आइए चलते हैं, आपको उनकी आवाज़ सुनाते हैं और आप ही जज कीजिएगा कि कितनी खूबसूरत आवाज़ और किस तरह से क्लासिकल को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। और जब ये अपने दोस्तों में सुनाते हैं तो कोई भी ऐसा नहीं जो कि दाद दिए बगैर रह सके। आइए आपकी ये मुलाकात करवाते हैं और आपको उनका जो है वो गाना सुनवाते हैं। लटोल जी सुलझा जा बालम, लटोल जी सुलझा जा बालम, लटोल जी सुलझा जा बालम, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, लटोल जी सुलझा जा बालम, लटोल जी सगम पनी ससानी दप म भगम घसल टोल जी, सगम पनी ससानी दप म भगम गम घसल टोल जी, सुल जा सुल जा सुल जा लटोल जी सुल जा वालम। नाम? मेरा नाम रहीम बर्नार्ड है। रहीम बर्नार्ड, एक इतना अच्छा आपने गाया, प्रैक्टिस कहाँ से? मेरे उस्ताद जी हैं, उस्ताद लाजर बाबूलाल, ये सदर के पास, बदर कलोनी रेंजर्स हेड क्वार्टर के पास, वहाँ पे मैं उनसे जो है ना तालीम हासिल कर रहा हूँ क्लासिकल म्यूज़िक की। अच्छा, जब एक ग्रुप के अंदर कुछ दोस्त अच्छी आवाज़ रखते हों और अच्छा सॉन्ग जो है वो सिंग करें, तो उसके बाद दोस्तों की फरमाइशें बढ़ी आती हैं? जी बिल्कुल, अभी भी खाना खाया वहाँ से और उसके बाद पार्क में इसीलिए बैठे थे, ये लोग ले आए साथ के जी कुछ सुनाए, तो फिर उनको सॉन्ग सुना रहा था मैं। अच्छा, फ़ोन पे कभी किसी ने फरमाइश की कि आज मुझे ना तुम्हारी आवाज़ में कुछ सुनना है? हाँ बिल्कुल, मेरे उस्ताद किसी को जो है आपके लफ्ज़ों से, आपकी आवाज़ से सुकून मिलता हो और वो गहरी नींद, सुहाने ख्वाब सुना जो है वो सजा के सोए? हाँ, मेरे अक्सर जो हैं, मेरे जो टीचर हैं, टीचर नहीं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, टीचर नहीं, नहीं वो तो अभी है ही नहीं। ये झूठ बोल रहे हैं, मोबाइल हाथ से जा नहीं रहा और है कोई नहीं, नहीं 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 आएगा मैसेज, नहीं देखेंगी वो, नहीं चेक कर सकते हैं आप अभी? नहीं, मैं नहीं चेक, अभी असल में सारा फोकस जो है करियर पे है, अभी भी जो है मैसेज इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि कुछ इवेंट्स भी हैं तो इवेंट्स भी करने हैं, तो करियर पे सारा फोकस, करियर पे स्टडी करनी है, साथ जॉब भी करनी है, साथ म्यूजिक। अच्छा, वो भी करियर का एक बड़ा अहम हिस्सा होता है कि यार मेरे दोस्त जो है वो फ़ोन पे किसी से बात कर रहे हैं और मैं ना करूँ, तो ये भी करियर में माना जाता है? नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन मेरी जो ज़्यादा मोहब्बत है वो अपनी सिंगिंग के साथ है, तो मेरा तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है अपना सिंगिंग के साथ गुजरता है। सिंगिंग के साथ आपका ज़्यादा टाइम, और मोहब्बत जो है पहली वो सिंगिंग है, तो दूसरी मोहब्बत को अभी जगह नहीं दे रहे आप अभी? उसको जगह दूंगा तो फिर इसकी जगह जो है ना खराब हो जाएगी। यानी कि दोस्त होके नहीं आप लाना चाहिए? नहीं, ज़ाहरी बात है, आप देखें वो इंसान है या कोई भी है, अब दूसरी को टाइम दूंगा तो भाई पहली वाली नाराज़ हो जाएगी ना, क्योंकि उसको टाइम कम मिलेगा फिर। जी नाज़रीन, रहीम जो थे वो हमारे साथ मौजूद थे और एक अच्छी आवाज़ रखते हैं, अभी उन्होंने जो है अपने लबों से कुछ गा के सुनाया जो कि हमारे दिलों को भी छू गया और आपके दिलों को भी यकीनन ये छुआया होगा, और अभी उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगिंग को ही पहली मोहब्बत रखता है। अब देखते हैं कि रहीम की ज़िंदगी में दूसरी मोहब्बत जो है वो कब आती है, तो फिर किस तरह से ये इन दोनों के दरमियान जो है वो इंसाफ कर पाते हैं। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने कहा।